अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने मसल स्ट्रेच इफेक्ट को पढ़ना है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मसल स्पिंडल पढ़ा था, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था, उसकी सेंसरी एंड मोटर इनर्विशंस को पढ़ा था, जो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसकी जो एक सिंपल मैनिफेस्टेशन है ना, वो है हमारे पास मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। किस तरह से बच्चों को एक सिंपल मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स आपसे पूछे क्या होता है, तो जैसे ही कोई भी मसल क्या करता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है, या स्ट्रेच होता है या अनस्ट्रेच होता है, यानी इसकी लेंथ में चेंज आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मसल स्ट्रेच होगा तो यहाँ दरमियान में हमारे पास क्या पड़ा हुआ होता है, किसी भी मसल बैली के दरमियान में मसल स्पिंडल, वो इस स्ट्रेचिंग को सेंस करेगा, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव होता है चेंज इन लेंथ में। तो जो ही लेंथ चेंज होगी, मसल स्ट्रेच करेगा, ये मसल स्पिंडल सेंस करेगा चेंज इन लेंथ को और सिग्नल दे देगा किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है जी। स्पाइनल कॉर्ड आगे से एक्टिव करेगी। अब ये एफरेंट्स गई हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है एफरेंट के थ्रू यहाँ पे दोबारा सिग्नल्स भेजेगी और मसल को क्या करा देगी, कॉन्ट्रैक्ट करा देगी, जिससे मसल लेंथ जो है वो नॉर्मलाइज होगी। तो पहले मसल हमारे पास स्ट्रेच हुआ, सेंसरी इनर्विशंस के थ्रू मैसेज गया, ठीक है, एफरेंट के थ्रू मैसेज गया, देन एफरेंट ने आके एक्ट किया और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसे हम कहते हैं मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये किसकी वजह से जनरेट हुआ, ये इस मसल स्पिंडल की वजह से जनरेट हुआ। अगर यहाँ दरमियान में मसल स्पिंडल ही ना होता तो इस स्ट्रेचिंग को किसने सेंस करना था, तो ये मसल स्पिंडल की जो है वो एक मैनिफेस्टेशन है मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट हुआ है ना, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एफरेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एफरेंट, ये मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी दो तरह का है। पहले आप इसका सिंपल सा न्यूरोनल सर्किट देख लें, जो बुक में दिखाया हुआ है बच्चों, ये वही बात है जो हम बार बार कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक मसल है, ठीक है, ये एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं, दरमियान में इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं, और उस बैली में क्या पड़ा हुआ है, मसल स्पिंडल। जो भी मसल की लेंथ चेंज होगी, इन मसल स्पिंडल्स की ये जो सेंसरी इनर्वेशन है, इन्होंने चेंज इन लेंथ को सेंस किया, सिग्नल दे दिए किसको, इंटीरियर मोटर न्यूरोन को, इंटीरियर मोटर हॉर्न में जाके लोअर इंटीरियर मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिए, वहां से हमारे पास जो है वो गैमा इफ्रेंट्स जो है वो स्टिमुलेट हुई, गैमा मोटर नर्व स्टिमुलेट हुई और उन्होंने आके मसल्स को क्या करा दिया, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, और इसको मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये न्यूरोनल सर्किट है कि किस तरह यहां से सेंसरी इनर्वेशन जा रही है और मोटर इनर्वेशन वापस आ रही है। उसके अलावा वो ये बात मेंशन कर रहा है कि ये मोनोसाइनेप्टिक है, क्योंकि एक ही सेंसरी नर्व गई है और उसने डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेट किया है किसके साथ, मोटर नर्व के साथ, सेंसरी एंड मोटर आपस में डायरेक्ट अटैच है, तो इसको मोनोसाइनेप्टिक पाथवे कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव फ्लेक्सर्स में के मैकेनिज्म्स में कि हमारे पास जो पॉलीसिनैप्टिक पाथवेज भी होते हैं उनमें क्या होता है कि कोई भी सेंसरी इनर्वेशन जो है थ्रू डिफरेंट इंटरन्यूरॉन्स कम्युनिकेट करती है मोटर नर्व्स के साथ और पाथवे जनरेट होता है, तो वो मोनो पॉलीसिनैप्टिक पाथवे होता है, जबकि ये मोनोसिनैप्टिक पाथवे है। तो ये आपको समझ आ गई कि जब मसल की लेंथ चेंज होगी, सिग्नल्स जाएंगे और दोबारा कॉन्ट्रेक्शन होगी, तो क्या हो जाएगा, मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स इसको कहते हैं। ये मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन स्टिमुलस दो तरह क्या है, एक है डायनामिक मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स और एक है स्टैटिक मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, वो मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेच रिफ्लेक्स की जो दो टाइप्स है ना, उनमें बच्चों आपने पहले एफरेंट और इफरेंट की अरेंजमेंट को अच्छी तरह समझना, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, एफरेंट है, ठीक है, ये बच्चों एफरेंट है और ये क्या है, प्राइमरी एंडिंग्स है, ठीक है। प्राइमरी एंडिंग्स वो होती है जिन्होंने दोनों को, जो हमारे पास यहाँ पे फाइबर्स की अरेंजमेंट है, न्यूक्लियर बैक फाइबर है और न्यूक्लियर चेन फाइबर है, इन दोनों को जनरेट करती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एफरेंट एंडिंग। कोई भी डायनामिक चेंज आता है ना, डायनामिक का मतलब होता है एकदम सडन, सडन हमारे पास जो है वो इस तरह से लेंथ स्ट्रेच हुई है, तो फिर सिर्फ प्राइमरी एंडिंग्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है, और अगर आहिस्ता आहिस्ता हो तो फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही स्टिमुलेट होती है। लेकिन हम बात करें डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स की, डायनामिक रिस्पांस की, तो जो ही सडन चेंज आता है, मैंने आपको पहले भी बताया सडन चेंज आएगा लेंथ में, तो डायनामिक रिस्पांस जनरेट होता है किस तरह से कि सिर्फ प्राइमरी नर्व एंडिंग्स जो हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, वो एक्साइट होती हैं और वो रैपिड फायरिंग करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड को जाकर बताती हैं कि यहां पे लेंथ जो है वो चेंज हुई है। स्पाइनल कॉर्ड इन टर्न क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के साथ ही कम्युनिकेट करती हैं, तो जो हमारे पास गैमा मोटर न्यूरॉन्स हैं, गैमा इफरेंट्स हैं, वो स्टिमुलेट होती हैं, वो आके क्या करती हैं, बैक फाइबर्स को इनर्वेट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं डायनामिकली ही, तो एकदम से जो है वो स्टिमुलस गया और एकदम से रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जो इसमें सेंसरी एंडिंग्स हैं, प्राइमरी नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है, और जो हमारे पास रिस्पॉन्स डायनामिक है, इसीलिए जो इफरेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, गैमा डायनामिक इफरेंट, गैमा डायनामिक इफरेंट्स इन्वॉल्व होंगी और वो आके न्यूक्लियर बैक फाइबर को सिर्फ इनर्वेट कर रही हैं और इसकी कॉन्ट्रेक्शन करा रही हैं और लेंथ जो है नॉर्मलाइज होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है, डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसे आपने याद सिर्फ यही रखना है कि सडन चेंज है, प्राइमरी सेंसरी में कौन इन्वॉल्व है, प्राइमरी नर्व एंडिंग, और मोटर इनर्वेशन में कौन इन्वॉल्व होंगी, गैमा डायनामिक इफरेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे स्टैटिक रिस्पॉन्स की, स्टैटिक में बच्चों स्लो चेंज आता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आहिस्ता 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 मसल स्ट्रेच होते हैं, जिस तरह जितनी जितनी स्ट्रेचिंग होती है उतनी इंपल्सेस ट्रांसमिट होती हैं, दोनों प्राइमरी एंडिंग्स जो हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंसरी एंडिंग्स, वो दोनों स्टिमुलेट होंगी, दोनों सिग्नल लेके जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता किसके पास, इंटीरियर हॉर्न के पास स्पाइनल कॉर्ड के, और वहां से मोटर रिस्पॉन्स आएगा जो दोनों को ही इनर्वेट करेगा, न्यूक्लियर चेन फाइबर को भी और न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को भी, और इनकी जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करा देगा, और इस रिस्पॉन्स को हम स्टैटिक रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। स्टैटिक में आपने याद रखना है सेंसरी में क्या इन्वॉल्व है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों एंडिंग्स, इसी तरह मोटर में जो इन्वॉल्व है उन्हें हम बोलेंगे गैमा स्टैटिक इफरेंट, गैमा स्टैटिक इफरेंट, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स आएगा ये भी स्लो होगा और स्लो के लिए स्टैटिक का वर्ड यूज होता है, ठीक है, और ये आगे आके इनर्वेट कर रहा है दोनों को, उनकी कॉन्ट्रेक्शन करा रहा है, तो ये दो तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, दो तरह के रिफ्लेक्सेज हैं, यानी एक डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स है और एक स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स है।
आप अपने पास एक चार्ट बना लें, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आप लिख लें कि डायनेमिक में कौन सी सेंसरी एंडिंग्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी मोटर एंडिंग्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह का स्टिमुलस चाहिए, ठीक है। और इसी तरह स्टैटिक में किस तरह। अब हम अगली बात पे चलते हैं कि बच्चों ये जो मसल स्पिंडल है और ये मसल स्पिंडल जो है ये स्ट्रेस रिफ्लेक्स जनरेट कर रहा है, तो इसके फंक्शन क्या है, ठीक है। मेजर तीन इसके फंक्शन है जिनकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने ये तीन फंक्शन याद रखने हैं। सबसे पहले जो मसल स्पिंडल का फंक्शन होता है ना, उसको होता है डैम्पिंग फंक्शन, ठीक है। डैम्पिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को स्मूथ करना। अब स्मूथ हो किस चीज़ को करता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा, मसल स्पिंडल जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट के कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है, किस तरह उसकी भी हम बात करते हैं। तीसरा फंक्शन इसका होता है कि हमारी बॉडी की पोजिशन को स्टेबिलाइज करने में मसल स्पिंडल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। बॉडी की पोजिशन को स्टेबिलाइज करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग टेंस सेक्शन। कोई भी टेंस सेक्शन जब परफॉर्म हो रहा होता है तब बॉडी के पोस्चर को पोजिशन को स्टेबिलाइज करता है मसल स्पिंडल। अगर ये ना हो तो फिर हमारी जो पोजिशन है वो डिस्टेबिलाइज हो जाएगी। ये मसल स्पिंडल के तीन फंक्शंस हैं और इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है, मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। जो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास मसल स्पिंडल का, वो डैम्पिंग फंक्शन है। डैम्पिंग फंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्मूथ करना। आप किस चीज़ को स्मूथ करेगा वो हम बात करते हैं। नॉर्मली जो मसल स्पिंडल है वो ऑसिलेशन या जर्किनेस को प्रिवेंट करता है बच्चों, किस तरह से कि जो मसल्स हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है उससे जो इनर्वेशन आ रही होती हैं मसल को, उन इनर्वेशन की जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है, ठीक है। वो अनस्मूथ इनर्वेशन आती हैं, कभी इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। और आगे मसल्स की जो कॉन्ट्रेक्शन पावर है ना, वो मसल स्पिंडल्स की वजह से स्मूथ रहती है, वो इनपुट सिग्नल्स पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर हमारे पास मसल स्पिंडल नहीं हो, अब इसके रिस्पांस में मसल्स ने क्या करना है, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने कोई वेट उठाया है, हमारे मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन है बाजू की या हाथ की थोड़ी देर के बाद वो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, बल्कि वो मेंटेन रहती है, एक लेवल पे हम चलते जा रहे होते हैं, ठीक है। बेशक जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से जो आ रहे हैं, तो अगर मसल स्पिंडल नहीं होगा तो जिस तरह इनपुट सिग्नल वेरी करेंगे उसी तरह मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी वेरी करेगी। लेकिन अगर मसल स्पिंडल इंटैक्ट होगा बच्चों, तो थोड़ी ही देर के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है ना हमारी, वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जब तक कि हमने कोई चीज कैरी की हुई है या जब तक के मसल स्ट्रेच है तब तक, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा इनपुट सिग्नल पे। तो ये मसल स्पिंडल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स के रिस्पांस में होने वाली मसल कॉन्ट्रेक्शन को स्मूथ कर देता है, ठीक है। इसने बुक में आपको ग्राफ में भी दिखाया हुआ है कि अगर मसल स्पिंडल इंटैक्ट होगा तो जो कॉन्ट्रेक्शन है वो स्मूथ हो जाएगी, और अगर मसल स्पिंडल को हम रिमूव करेंगे तो कॉन्ट्रेक्शन, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या करेगी, अप एंड डाउन होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी इनपुट सिग्नल की, ठीक हो गया। तो ये किसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मसल स्पिंडल का। दूसरा, इसका वॉलेंट्री मूवमेंट में रोल है। सेकेंड, जो हमारे पास मसल स्पिंडल है उसका वॉलेंट्री मूवमेंट में ही कंट्रोल है बच्चों, कि जब भी हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल्स मिलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन से, तो दोनों जो है वो एक्टिवली दोनों ही एट अ टाइम एक्साइट होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास जो है वो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाएं और गैमा वाली ना हो, ठीक है। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स आके किसको इनर्वेट करती हैं, हमने देखा है एक्स्ट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल्स को, तो इन अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ साथ गैमा मोटर न्यूरॉन्स भी एक्साइट होती हैं, और ये जाके किसको सप्लाई करती हैं, इंट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल्स को, वो भी इनके साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इंट्रा फ्यूजल और इस फिनोमेना को हम को एक्टिवेशन कहते हैं। तो इंट्राफ्यूजल स्केलेटल मसल को क्यों कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, इसके दो फायदे हैं। एक तो ये होता है कि जब ये इंट्राफ्यूजल स्केलेटल मसल जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्ट्रेचिंग यहाँ पे बिल्डअप होगी, तो ये जो स्पिंडल है ये क्या करेगा, चेंज इन लेंथ को सेंस करेगा, ठीक है, अपने सेंसरी इनर्वेशन को भेजेगा यहाँ पे, और वही जो एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल हमने सारा भी पढ़ा है स्पिंडल मसल स्पिंडल का, वो स्टार्ट हो जाएगा, जो इन ओवरऑल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को फर्दर इन्हेंस कर देगा। दूसरी बात, अभी हमने ये पढ़ी कि ये जो मसल स्पिंडल है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें डैम्पिंग प्रोवाइड करने में, ठीक है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको डैम करता है, उसको स्मूथ करता है, ठीक है, और उसको क्या करता है, कॉन्स्टेंट कर देता है। तो इन दो पर्पजेस के लिए को एक्टिवेशन का फिनोमेना यूज होता है, और हम कह सकते हैं कि जो हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल्स हैं या जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल स्पिंडल का, क्योंकि उसके साथ एक्टिवली ये भी एक्साइट होते हैं, ये भी अपना पॉजिटिव फीडबैक भी चला रहे होते हैं, और साथ ही साथ डैम्पिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, कहते हैं जब भी हम कोई टेंस सेक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है वो नी जॉइंट है, ठीक है, कोई भी हम टेंस सेक्शन जब परफॉर्म करने वाले होते हैं, नी समझ लें या एल्बो समझ लें, वो कहता है कि जो दोनों साइड के मसल्स होते हैं ना हमारे पास, वो मजीद जो है वो टेंस हो जाते हैं, और वो इसी मसल स्पिंडल की वजह से होते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। किस तरह से होता है कि जब हम कोई वेट लिफ्टिंग की लिफ्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने फील किया होगा कि हमारी जो जॉइंट की दोनों साइड्स के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वो काफ़ी टेंस हो जाते हैं। वो किस तरह से होता है कि जो हमारे पास जो बल्बो रेटिक्यूलर रीजन है ब्रेन स्टेम का, वहाँ से एक्साइटेटरी सिग्नल्स आते हैं थ्रू गैमा मोटर न्यूरॉन्स, और वो आके क्या करते हैं कि इन मसल्स के एंड्स को शॉर्टन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मसल इतना था तो इसको शॉर्टन करके इतना करते हैं, तो जब ये इस मसल को शॉर्टन कर लेते हैं तो ये जो इसका मिड वाला पोर्शन है बच्चों, ये स्ट्रेच होता है। जब ये मिड वाला पोर्शन स्ट्रेच होता है तो इसके दरमियान में पड़ा जो मसल स्पिंडल है वो एक्टिव हो जाता है, वो मसल स्पिंडल अपना फीडबैक स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फीडबैक के थ्रू वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन भेजता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और उसकी जो मोटर इनर्वेशन आती हैं वो इस मसल की क्या कराती हैं, कॉन्ट्रैक्शन, मजीद कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसकी जो रिफ्लेक्स एक्टिवेशन है वही
जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये अपना सेंसरी सिग्नल जाता है, फिर मोटर नर्वेशन आती है, फिर कॉन्ट्रेक्शन होती है, फिर स्ट्रेचिंग एंड फिर कॉन्ट्रेक्शन। तो ये मजीद इनकी कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है और ये मसल्स काफी स्टिफ हो जाते हैं। और उस टाइम बेशक हम वेट लिफ्टिंग करें, कुछ भी करें, हमें ऐसा फील होता है कि सारा जो टेंस है, हुई या चीज़ है या जो टॉटनेस है सारी की सारी, वो मसल्स को मसल्स पे असर कर रही है। उससे बिल्कुल भी जो बोन्स हैं या जो जॉइंट्स हैं वो नहीं हिलते और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में मेंटेन रहते हैं ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग या कोई भी टेंस एक्टिविटी, हैवी एक्टिविटी हम परफॉर्म करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मसल स्पिंडल का कि उस टाइम ये रेडी हो जाती है और जॉइंट के दोनों साइड वाले मसल्स जो है वो काफी ज्यादा टॉट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी रिफ्लेक्स एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है और वो फिर जॉइंट की समझ लो किस्म की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो ये तीन फंक्शन थे हमारे पास मसल स्पिंडल के। मसल स्पिंडल की मैनिफेस्टेशन क्या है? मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, ठीक है। फिर मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स की दोनों टाइप्स पड़ी हैं, डायनामिक और स्टैटिक। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो फिर आपको मुश्किल लगेगा, वैसे मैंने खुद फील किया ये चैप्टर गंदा सा, ठीक है। फिर इन दोनों का आप डिफरेंस लिख लें कि क्या डिफरेंट है, क्यों सेंसरी नर्वेशन डिफरेंट है, इनकी मोटर नर्वेशन डिफरेंट है, क्योंकि स्टिमुलस डिफरेंट है, ये इनका डिफरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद मसल स्पिंडल के तीन फंक्शन है, क्या फंक्शन है? एक डैम्पिंग फंक्शन है कि ये कॉन्ट्रेक्शन को स्मूथ कर देता है, अगर नहीं होता मसल स्पिंडल तो जो कॉन्ट्रेक्शन है वो यूं ही होती, ठीक हो गया। दूसरा इसका फंक्शन हमने देखा वो लेंट्री का, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल्स अकेले कॉन्ट्रैक्ट करें, इंट्रा फ्यूजल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और वही बात है कि वहाँ पे जो मसल स्पिंडल है वो डैम्पिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन को, और अपने फीडबैक के थ्रू फर्दर प्रोसेस को एनहेंस करता है या इनहिबिट करता है। और तीसरी चीज हमने पढ़ी कि हमारी पोजीशन को, बॉडी मूवमेंट्स को या जॉइंट को किसी भी टेंस एक्शन के परफॉर्मेंस के टाइम मेंटेन करता है, जॉइंट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एनी इंजरी, ठीक है जी। तो ये तीन पॉइंट्स थे, अगर आप इसके खुद नोट्स बनाएंगे तो फिर शायद ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा एक्सप्लेन करने में भी, ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये एक अजीब सा ही चैप्टर है। आई होप सो कि अगले चैप्टर जो है वो ईजी होंगे मोटर फिजियोलॉजी में।